नमस्ते दोस्तों, मैं चेतन जैन आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो है, तो मैं आप सब लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि हमारा यह चैनल बनाने का पर्पस क्या है और आगे हम इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट पोस्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम इस चैनल पर फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करने वाले हैं, जिसमें फाइनेंस से और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ढेर सारी चीज़ें हम अपलोड करेंगे। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास फंड होता है, पर उन्हें ये नहीं होता है कि उन्हें ये पता नहीं होता है कि फ़ंड इन्वेस्ट कहाँ करना है, कितना करना है, कैसे करना है। तो उन सभी लोगों के लिए हमारा ये चैनल बहुत यूज़फुल हो सकता है। दोस्तों, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे देश में इन्फ्लेशन का जो रेट है वो है 6 से 7%। अब देखिए, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना फंड सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हैं। एक नॉमिनल अमाउंट सेविंग बैंक अकाउंट में रखना ठीक है, पर बड़ा अमाउंट अगर हम सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो ये हमारे लिए नुकसान का सौदा है, फायदे का सौदा नहीं है। कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप मान लीजिए, कुछ चीज़ों को मिला के आज हम 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो वही खर्च आज से 1 साल बाद 107 रुपये होगा। अब आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है उस पर इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है? नेशनलाइज बैंक जो है वो 2.75% आपको इंटरेस्ट देते हैं। यानी कि 100 रुपये आपने साल के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किए, वो 1 साल बाद आपको मिलेंगे 102.75 रुपये या 103 रुपये, और आपका खर्चा कितना रहेगा? 107 रुपये। यानी कि आपका जो फंड है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट इस तरह से प्लान करना चाहिए जिससे आप कम से कम इन्फ्लेशन तो बीट कर सकें। आपका जो रिटर्न है वो कम से कम 8-10% मिनिमम होना चाहिए, यानी कि 108, 109, 110, 111, इतना मिनिमम आपका जो है वो बनना चाहिए साल के अंत में। जो साल के शुरू में आपने 100 रुपये लगाए थे उसका साल के अंत तक कम से कम 107 से ज़्यादा तो बनना ही चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। तो हम आपको समय समय पर इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में गाइड करने की कोशिश करेंगे। इसी सीरीज़ की शुरुआत दोस्तों हम वेदांता की डीलिस्टिंग से करने जा रहे हैं। वेदांता के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वेदांता लिमिटेड अनिल अग्रवाल जी की कंपनी है, जो कि पिछले कई सालों से शेयर बाजार में लिस्टेड है और उसमें कंटिन्यूसली ट्रेडिंग हो रही है। अब जो है मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो कंपनी की डीलिस्टिंग करना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि उनका जो शेयर है वो शेयर बाजार में ट्रेड ना हो और कंपनी के मालिक वो पूरी तरह से खुद बनना चाहते हैं। तो अब उसमें ये होगा कि वेदांता कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स से शेयर परचेज करेगी। अब इस पूरी प्रक्रिया में आपके पास पैसा कमाने के मौके कैसे बन सकते हैं, इसी के बारे में हम अगला वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जिन लोगों को थोड़ा भी स्टॉक मार्केट का आइडिया है, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।